नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अमरनगर चौराहे क्षेत्र से बड़ी तादाद में ग्रामीण अपनी शिकायत लेकर जनसुनवाई में पहुंचे। उन्होंने लिखित शिकायत के जरिए अम्बानगर पंचायत सचिव भगत सिंह और सरपंच हरि सिंह पर कुटीर आवंटन को लेकर 15,000 रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि बैंक खाते के लिए भी रुपये मांगे गए थे, दो साल के बाद खातों का कोई पता नहीं चला। उन्होंने कलेक्टर के जरिए सचिव और सरपंच पर सख्त कार्यवाही कर जरूरतमंदों को कुटीर दिलाने की मांग की है। दिया अभी दिया था अनुदान। हाँ। अब ये लोग कह रहे हैं कि तुम 3.5 लाख रुपए तुम भरो, हम कहाँ से भरे? कब दिया था? जो दिए थे आज से 9 साल पहले। कितने पैसे दिए थे? 75-80 के करीब। कितने महिला हूँ आप, कितने लोग? हम बाहर आएंगे। समस्या है, 200-200 बीघा वाले इनको कुटी निकल रही, हमारी एक कुटी नहीं निकली, हमारी कोई सुनवाई नहीं सुनते है। ना हमारे पास किसी के पास जमीन है, किसी के पास मोल किराए के मकान में रह रहे, किसी के पास प्लाट है, और वो लोग हमसे 15-15 हज़ार रुपए मांगते हैं। वो लोग बोलते हैं तुम कहीं भी जाओ, शिकायत कहीं भी करे। सचिव सरपंच है, 25-30 साल से हम रह रहे हैं अम्बानगर चौराहे पर। सचिव सरपंच से बोलते हैं हमारी कुटी निकलवाने से, तो हमको पैसों की मांग करते हैं। एक कुटी पर 15,000 रुपए मांगते हैं, बोले तब तुम्हारी कुटी निकालेंगे। हमने बोला हम कलेक्टर महोदय को दरखास्त देंगे, तो वो बोलते हैं आप जाओ कहीं भी घूम सकते हो, हमें तो पैसा चाहिए। विजय रघुवंशी, विद्रोही की रिपोर्ट।